केन्द्र शासित प्रदेश दमण और दादरा नगर हवेली बे दिवसीय मुलाकाते आवेला गृह राज्य प्रधान नित्यानंद दमणना रिंगणवाड़ा खाते श्रम योगी आवास की मुलाकात लीधी थी। मुलाकात वेटाए दमणना प्रशासक प्रफुल्ल पटेले श्रम योगी आवास में कामदारों ने अपाती सुविधाओं की गृह राज्य प्रधान ने अवगत कराया था। दमण की मुलाकाते आवेला गृह राज्य प्रधान नित्यानंद राय नु दमण प्रशासने उमड़काभेर स्वागत करी आवकार्या हता। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल अने सरकारी अधिकारी साथे मुलाकात करी नित्यानंद रायना दमण विकासना प्रोजेक्ट की मुलाकाते निकळ्या हता, जेमां सौप्रथम प्रशासक प्रफुल्ल पटेल साथे दमणना रिंगणवाड़ा खाते उद्योगना कामदारों माटे सुविधाथी सज्ज श्रमयोगी आवास की मुलाकात लीधी हती। दमण प्रशासक प्रफुल्ल पटेलना मार्गदर्शन हेठळ बनावामां आवेला श्रमयोगी आवास में दमणना उद्योगों में काम करता कामदारों ने उत्तम सुविधा साथे रूम भाड़ा पर आपवामां आवे छे। दमण में हजारों कामदारों सुविधा थी अने गंदगी थी खदबती चालियों में वसवाट करता होवानु ध्याने आवता बाद तेमना माटे सुविधा थी सज्ज कॉम्प्लेक्स बनावामां आव्या छे, जे कामदारों ने नजीवा भाड़ा साथे रहेवा अपाय छे। ते अंगे प्रशासक प्रफुल्ल पटेले गृह राज्य प्रधान ने अवगत कराया था। गृह राज्य प्रधान नित्यानंद राय श्रम योगी आवास की मुलाकात लई तेमा रहेता कामदारों साथे वार्तालाप कर्यो हतो અને દમણ પ્રશાસનને તેમજ મોદી સરકારે કરેલા ઉત્તમ કાર્યની સરાહના કરી ગરીબો માટે મોદી સરકાર જે સેવા કરે છે તેનું અક્ષાક્ષાત ઉદાહરણ આપવાનું જણાવ્યું હતું। નિત્યાનંદ રાય દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ આ પ્રકારની સુવિધા ગરીબ કામદારોને ઉપલબ્ધ થાય તેવી આશા પણ વ્યક્ત કરી હતી। દેખે મેં જે જગ્યા પે ખડા હું શ્રમ યોગી નિવાસ હે ઓર ગરીબો કા જો સપના હે વહી સપના સંજોએ। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और यही परिणाम है कि आज भारत के गरीब चाहे कहीं भी रह रहे हों वो एक अच्छी ज़िंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ आने के बाद जो देखने को मिला कि श्रम योगी निवास की जो व्यवस्था की गई है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, मानी उनकी जो सोच है गरीबों की सेवा, उसका साक्षात उदाहरण यहाँ देखने को मिला। यहाँ के जो लोग हैं जो इस आवास में रह रहे हैं, जो श्रमिक हैं, किसी न किसी उद्योग में काम कर रहे हैं, कहीं दूर से आकर यहाँ रह रहे हैं और उनसे जो जानकारियाँ मिली कि वो चाल में रहते थे और बारिश के समय भी ठीक से नहीं सोते थे, बड़े परिश्रम करने के बाद कई घंटों तक श्रमदान देने के बाद जब वो आवास पे आते थे तो उनको रहने के लिए सोने के लिए और एक अच्छा वातावरण नहीं मिलता था। एक ऐसा वातावरण मिला है, अद्वितीय है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ के लोग हमारे श्रम योगी जो उनको आभार दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं और जो मन से जो दुआ दे रहे हैं, और यह स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ से भले ही शुरुआत है लेकिन देश के विभिन्न कोनों में इस प्रकार के आवास की योजना, श्रमयोगी आवास की योजना उनकी है। और यह एक ऐसी योजना है जो वास्तव में गरीबों की ज़िंदगी को सुख देता है, उनको सुकून देता है, शांति देता है।